नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। एक खबर जिसको लेकर लोग अटकलें लगा रहे थे, वो अब पुख्ता रूप से आपके सामने मैं न्यूज लॉन्चर पर रखने जा रही हूं। और वो खबर है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी जो उनकी बहन है वो रायबरेली से लड़ेंगी। अभी तक केवल अटकलें लग रही थी, लेकिन खबर ये आ रही है कि सुनील कानूगोलू जो कि उनके पार्टी के कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने एक सर्वे कराया था और उस सर्वे में ये पाया है पार्टी ने कि पार्टी के लिए अच्छा होगा अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। अब पार्टी से इसको क्या फायदा होगा? स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, उनके हारने के चांसेस कितने हैं अगर राहुल गांधी इस बार मैदान में कूदते हैं तो? और गांधी परिवार के लिए ये कितना बड़ा मोमेंट है कि दोनों भाई बहन रायबरेली और अमेठी जो कि पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बैस्टियन माना जाता था, अब अगर वो लोग वहां से चुनाव लड़ेंगे तो इसके क्या सिग्निफिकेंस है? इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर हेमंत अत्री जी जुड़ रहे हैं। हेमंत अत्री जी के पास सारी ये खबरें हैं, एक एक डिटेल वो बताएंगे। और इस हेमंत अत्री के हवाले से हम न्यूज लॉन्चर पर इस खबर को ब्रेक करने जा रहे हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? आपने बताया मुझे कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे जब फोन पे बात हुई तो आपने कहा कि सुनील कानूगोलू ने एक सर्वे कराया, पार्टी ने उनसे एक सर्वे करवाया है, तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है डिटेल्स उसकी। जी देखिए नीलू जी, पिछले 1 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक लगातार न केवल सुनील बल्कि कांग्रेस पार्टी का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कार्यकर्ता इन दोनों कंस्टिट्यूएंसीज में और उनका सुपरविजन कर रहे थे लोकल लीडरशिप, उन पंचायत वाइज उन्होंने सारे का सारा सर्वे किया है और उसके बाद ये डिसाइड हुआ है कि दोनों बहन भाई चुनाव लड़ेंगे 26 तारीख की शाम या 27 तारीख की सुबह, किसी भी टाइम दोनों के नामांकन, दोनों के कैंडिडेट की घोषणा हो सकती है। और उसके बाद 30 तारीख के आसपास वो दोनों नॉमिनेशन भरेंगे। 3 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की अमेठी और रायबरेली में, और यहाँ पर 5वें फेज में चुनाव आपको ध्यान होगा तो 20 मई को चुनाव होना है। तो अभी स्थिति यह है कि दोनों को सोनिया गांधी ने बिल्कुल क्लीन चिट ये कह दिया कि तुम दोनों को चुनाव लड़ना है। प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव होगा और राहुल गांधी का ये यहाँ पर अमेठी से 5वां चुनाव होगा। 3 उन्होंने जीते हैं, पिछला चुनाव वो हार गए थे। इस तरीके से जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें प्रियंका गांधी का पहला कदम इस चुनाव में होने जा रहा है, ये अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। कि 26 या 27 को इनका कैंडिडेचर डिक्लेयर होगा, पार्टी इसका आधिकारिक रूप से ऐलान करेगी। तो ये जो अटकलें लगाई जा रही थी और कई लोग इस बात को खबर के रूप में कह रहे थे कि 26 तारीख को क्योंकि चुनाव है अगले चरण का और वहां पे केरला में चुनाव खत्म हो जाएगा तो जो वायनाड उनकी कंस्टिट्यूएंसी है वहां का चुनाव हो जाए और उसके बाद ये पार्टी इस बात की घोषणा करेगी कि अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ेगा, तो वही स्ट्रैटेजी और एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी के रूप में आपको लगता है कि ये काम किया गया है और रणनीतिक रूप से इस चीज को होल्ड बैक किया था पार्टी ने? एक बहुत ही सोची समझी, बिल्कुल जिसको सुनियोजित योजना आप जिसको कहते हैं हिंदी में, ये उस योजना का हिस्सा था और उसके दो कारण थे। प्रियंका गांधी का चूंकि पहला चुनाव है तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पिछली बार पूरा घेर करके राहुल गांधी को निपटाया था, कहीं पहले ही चुनाव में प्रियंका गांधी को ना निपटा दे और कोई स्टार कोई इतना बड़ा कोई इस तरह का व्यक्ति ना ले आए कि जो प्रियंका गांधी को मुश्किल आ जाए। इसलिए उन्होंने अपने आप को अलूफ रखा अभी तक अमेठी और रायबरेली से। आपने देखा होगा अभी तक दोनों बहन भाई या परिवार का कोई भी आदमी वहां नहीं गया है, तो वो एक स्ट्रेटजी के तहत था। और उस दौरान अगर आपको ध्यान हो, इस दौरान रायबरेली से जो प्रियंका के खिलाफ और राहुल के खिलाफ भी एट वन स्टेज जो उनके जो कजन है उनको भी लाने की कोशिश की गई वरुण गांधी को, तमाम बीजेपी के लीडर्स ने कोशिश की लेकिन वरुण गांधी ने सिंगल हैंडेडली उनको कहा कि मैं किसी भी सूरत में ना तो बहन के खिलाफ ना भाई के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, आपको टिकट देनी है तो दीजिए ना मत दीजिए। तो ऐसे में स्मृति ईरानी तो ऑलरेडी हैं इस टाइम अमेठी के अंदर, उनका तो कैंडिडेट घोषित है। रायबरेली में किसको लेकर के आती है बीजेपी वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वो उनको स्मूथ पैसेज नहीं देगी किसी भी सूरत में, गांधी परिवार उनके मेन टारगेट पे है। और देखिए इंटरेस्टिंग इस चुनाव में क्या हो रहा है नीलू जी, अगर आप लगातार देखें सारे शत्रप मौज कर रहे हैं, ममता मौज कर रही है, उधर तेजस्वी मौज कर रहे हैं, इधर अखिलेश मौज कर रहे हैं और फायरिंग लाइन में केवल केवल गांधी परिवार है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने फिर उनको शहजादे और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया है। तो प्रधानमंत्री कर तो रहे एक तरीके से ये खास तरीके से राहुल को टारगेट, लेकिन ग्रास रूट पे जो अपने जो रीजनल क्षेत्रफ्स हैं उनकी मौज आई हुई है, वो अपने हिसाब से कैंपेनिंग कर रहे हैं और वो बीजेपी को फायरिंग लाइन में भी रख रहे हैं, बीजेपी के फेलियर्स भी गिना रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर केवल राहुल के ही पीछे पड़े हुए हैं, जबकि उन राज्यों के अंदर क्षेत्रफ वो बड़े हैं। अगर आप तेजस्वी की बात करें, ममता की बात करें, इधर अखिलेश की बात करें, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चुनाव है।
कि फायरिंग लाइन में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है और ग्रास रूट पे लगातार क्षेत्रीय क्षेत्र पर अपना खेल जमाते जा रहे हैं। अब जो सवाल है कि रायबरेली में प्रियंका के खिलाफ बीजेपी किसको उतारेगी, तो अभी तो ऐसे कोई नाम सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि हो सकता है कि किसी स्टार को उतार दिया जाए, बिल्कुल जैसे कंगना रनौत को हिमाचल के मंडी से उतारा गया है। तो क्या आपको लगता है कि कोई प्रोबेबल नेम्स हैं जो बीजेपी में अभी डिस्कस किए जा रहे हैं, या आपके नजर में वो कुछ नाम हो जिनको उतारा जाएगा? नहीं, वो पर्ची सिर्फ सिर्फ मोदी और अमित शाह जी के पास है। जैसे ही प्रियंका के नाम का नॉमिनेशन डिक्लेयर होगा, आप देखेंगे विद इन 24 आवर्स वहां नॉमिनेशन ही करा देगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी इज वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ, वहां पर समय कम है। और इन दोनों कंस्टिट्यूएंसी के अंदर अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो गांधी नेहरू परिवार का लगातार यहाँ पे होल्ड रहा है, और रायबरेली में तो पिछली 5 बार से सोनिया गांधी खुद ही थी एमपी, तो वहां तो बीजेपी लगातार हारती रही है इन्हें। और जो अपोजिशन पार्टियां दूसरी है, चाहे सपा है चाहे बीएसपी है, वो उनको सपोर्ट भी करते रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो राहुल हो चाहे सोनिया गांधी हो एक तरीके से। तो बीजेपी इस बार बहुत सोच समझ करके एक स्ट्रेटेजिक तरीके से, और यहाँ पर जो भी नाम आएगा ये मान के चलिएगा कि बीजेपी का कैंडिडेट कम होगा, उसकी स्टार कास्ट ज्यादा होगी, स्टार वैल्यू ज्यादा होगी, ताकि प्रियंका का जो जो भी उसका अट्रैक्शन है उसको कहीं ना कहीं नीचे ला करके एक नाम के सहारे वोट मांगा जा सके, ऐसी बीजेपी की योजना है। किसी बीजेपी के काडर को टिकट देंगे इस पे सबको बहुत सीरियस डाउट है, ऐसा लगता नहीं। लेकिन प्रियंका का कैंडिडेचर अगर पार्टी ने फिक्स कर दिया है रायबरेली में, तो जो प्रॉब्लम्स हैं प्रियंका के तमाम कैंडिडेचर से, रॉबर्ट वाड्रा की जो पुराना जो उनका जो जो भी केसेस हैं उसको बीजेपी उतारेगी, आपको क्या लगता है कि प्रियंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी अगर वो रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने मन बना लिया है तो? देखिए नीलू जी, कांग्रेस पार्टी में जब भी चुनाव कोई लड़ने जाता है उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है पार्टी की इनफाइटिंग। इन दोनों सीटों पर फॉर्चुनेटली कांग्रेस के पास वो नहीं है। सारी की सारी जितनी भी लोकल लीडरशिप है, ब्लॉक से लेकर के डिस्ट्रिक्ट से लेकर के स्टेट लेवल तक की, सब ने एक स्वर में ये कहा है रिजोल्यूशन दे करके सोनिया गांधी को कि यहां से परिवार को ही टिकट मिलनी चाहिए, उन्हीं को चुनाव लड़ना चाहिए। तो जो पहली लड़ाई थी वो तो इन फाइटिंग पार्टी के अंदर जो होती है वो तो इस बार सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे, बल्कि वो मोस्ट सॉट आफ्टर कैंडिडेट है दोनों बहन भाई, पहली बात ये, जहां तक कांग्रेस की इंटरनल राइवलरी की सवाल है। दूसरी बात जो चैलेंज की बात है, वो समाजवादी पार्टी ऑलरेडी उनके साथ है, अलायंस में है, वो कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भयंकर भयंकर जो खासतौर पर स्मृति ईरानी के खिलाफ एंटी इनकमेंसी, वो मैं आपको याद दिलाऊं, वहां का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अमेठी का संजय गांधी हॉस्पिटल, और उसको किस तरीके से प्रशासन ने बंद करा दिया था और हाईकोर्ट की इंटरवेंशन के ऊपर उसको खोला गया। तो उस तरह के काम आमतौर पर पॉलिटिशियंस अस्पताल खुलवाते हैं, फैक्ट्रियां खुलवाते हैं रोजगार के लिए तमाम चीज। ये पहला अवसर है जब स्मृति ईरानी ने जो बड़े बड़े वायदे किए थे वो तो छोड़ ही दीजिए, उनका तो कोई ऑडिट बीजेपी में होता नहीं, चाहे वो मोदी हो चाहे स्मृति ईरानी हो चाहे कोई भी हो, लफाजियों की सारे चुनाव लड़ा जाता है। और ऐसे में कोई नई सुविधा देने की बजाय जो संजय गांधी हॉस्पिटल की खुद की फैसिलिटी थी, लंबे समय से चली आ रही थी, सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, उसी को क्लोज करा दिया। तो ये कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी स्मृति ईरानी के खिलाफ है। और जो रायबरेली की जब बात करेंगे आप, रायबरेली में सोनिया गांधी पिछली बार भी हैंडसमली जीती थी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। इस बार चूंकि राहुल गांधी पिछली बार जो जिस तरीके से चुनाव हराए गए उनको 50,000 से ऊपर वोटों से, पूरे एरिया के अंदर कहीं ना कहीं एक ये है कि यार गलत हो गया, इनके साथ हमारा इतना पुराना रिश्ता था। इन दोनों कंस्टिट्यूएंसी की पूरे देश में दुनिया में अगर पहचान है तो नेहरू गांधी परिवार के नाम से भी है, और ऐसा नहीं कि उन्होंने वहां पर कुछ किया नहीं है, उन्होंने काफी कुछ किया भी है ऐसा लोग बताते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी के खिलाफ जो बीजेपी जो दावा करेगी वो क्या करेगी, सबसे बड़ा आरोप तो वही परिवारवाद, मोदी जी का जो फेवरेट है। प्रियंका गांधी राहुल की तरह नहीं है, मैं फिर आपको याद दिला दूं, अगर वो एक बार परिवारवाद कहेंगे तो प्रियंका गांधी तो लिस्ट लेके चलती है, वो मोदी की पूरी जो पार्टी है उनके पूरे परिवारवादियों की वो खोल देंगे। कल आपने देखा उन्होंने किस तरीके से मंगलसूत्र वाले मामले में मोदी जी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग रिबटल जो कल उन्होंने मंगलसूत्र वाले मामले में दिया, और सभ्य शब्दों में शालीनता के साथ, कोई बदतमीजी नहीं, कोई एरोगेंस नहीं, और ऐसी भाषा में उन्होंने जवाब दिया प्रधानमंत्री को जो आम आदमी और आम महिला सुनना चाहती है, मेरी माँ का मंगलसूत्र, मेरी दादी का मंगलसूत्र। प्रधानमंत्री तो आउट ऑफ एरोगेंस कहते हैं, उन्होंने वो ह्यूमनली बना करके उसको पेश किया, और वो पूरे देश के अंदर उसका असर भी किया गया, ये आपने देखा खासतौर पर महिलाओं में। ओवरऑल पूरी रात सुबह तक 11 बजे तक जब तक सैम पित्रोदा ने अपना कारनामा नहीं किया तब तक लगातार प्रियंका गांधी ही वायरल थी। तो प्रियंका गांधी हैंड्स ऑन लेना जानती है बीजेपी को भी, और वो राहुल की बजाय ज्यादा अच्छा कनेक्ट करती है जहां तक महिलाओं, यूथ और बाकी मासेस के अंदर, क्योंकि वो हिंदी में सोचती है और हिंदी में डिलीवर करती है। तो ये उसका बड़ा एक पक्ष जो प्रियंका का है वो रायबरेली में रहेगा।
नहीं बिल्कुल, प्रियंका का एक एसेट तो है ही है जिससे कि पार्टी को फायदा मिलने की पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगी प्रियंका गांधी, आज ये भी समझना जरूरी है। नहीं वहां पर कोई बीजेपी की को बहुत, देखिए अगर बीजेपी के पास अगर कोई सॉलिड दमदार कैंडिडेट होता रायबरेली के अंदर तो वो कभी इतना कैंडिडेट घोषित कर चुके होते, वो वेट क्यों करते। बीजेपी ने तो पूरे देश में इसी बात पे तो लीड ली थी कि हम सबसे पहले कैंडिडेट घोषित करेंगे हर जगह पे। रायबरेली में वो अब तक भी रोके हुए क्योंकि उनको अंदाजा था कि प्रियंका आएंगी देर समय, तो उनकी पोटली में उनकी पर्ची में कोई ना कोई नाम है जिसको वो हवा भी लगने दे रहे हैं। और दो या तीन जो टॉप आदमी है मोदी अमित शाह और ज्यादा से ज्यादा नड्डा, उसके अलावा उनका किसी को हवा नहीं है। लोकल व्यक्ति नहीं होगा जहां तक कॉमन सेंस कहती है, और कहीं बाहर से ही कोई स्टार कास्ट ला करके एकदम सरप्राइज वॉव फैक्टर जिस तरीके से है, जो आपने कंगना रनौत का नाम लिया उस टाइप का कोई चीज, या कोई सेलिब्रिटी क्रिकेटर या इस तरह की कोई भी चीज, कोई यूथ आईकॉन टाइप की, उस तरह का आदमी लाया जाएगा ऐसा मेरा मानना है। और चुनाव यहाँ पर सबसे रोचक रायबरेली में होगा क्योंकि देखिए अब बीजेपी बड़ी बुरी फंसेगी अगर मोदी जी रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार का नाम लेंगे जो उनका फेवरेट पिच है, परिवारवाद जैसे अपन ने बात की, उसके बाद उनका है कि रॉबर्ट वाड्रा ने भ्रष्टाचार किया, तो प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी वाली टोन बोलती हैं, वो सीधा उनको ये कहेंगी कि 10 साल से आप सत्ता में हैं, आपने रॉबर्ट को अंदर क्यों नहीं किया। और आपको ध्यान होगा जब रॉबर्ट को ईडी ने बुलाया या सीबीआई ने बुलाया तो वो खुद छोड़ने जाती थी उनको हेडक्वार्टर तक पूछताछ के लिए, और फिर लेने भी जाती थी। तो शी नो हाउ टू टेक दीज पीपल हेड ऑन, तो उसी का फायदा उनको मिलेगा। और प्राइम मिनिस्टर मुझे लगता है कि जैसे ही उन्होंने भ्रष्टाचार का नाम लिया तो वो खुद फायरिंग लाइन में आएंगे कि तुम 10 साल से अब तक क्या कर रहे थे, कोई चार्जशीट हुई क्या, किस तरीके का कोई टू कोर्ट हुआ क्या, कोई प्रोसीडिंग्स है क्या, या सिर्फ लफाजी है। तो इस मामले में जो बीजेपी का जो पूरा प्रचार तंत्र है, जो चीज वो राहुल गांधी के खिलाफ कर सकते हैं शहजादे और तमाम चीजें, प्रियंका के बारे में करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा उनको, बींगे महिला। आपको याद होगा 2004 का चुनाव, वो अटल जी के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो वो अप्रत्याशित परिणाम आए उसका। जो बड़े राजनीतिक लोग, हम तो उस टाइम बच्चे थे रिपोर्टिंग करते थे, उस टाइम लोग ये कहते हैं कि 2004 की हार का अगर कोई सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट कारण था तो वो सुषमा स्वराज का वो बयान था जो उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ दिया था कि अगर सोनिया पीएम बनेंगी तो मैं भिक्षुणी बन जाऊंगी और सड़क पर। पूरी महिलाओं ने देश की जो 50 करोड़ से ऊपर थी उस टाइम भी, उन्होंने इसका बहुत सीवियर ऑफेंस लिया कि एक महिला जो भारतीय संस्कृति के अंदर आके रच बस गई है, जो यहीं रह रही है, उसको इस तरीके से डिमेन करने का अधिकार किसने दिया, सुषमा स्वराज को। और वो केवल सुषमा को नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी और वाजपेयी की सरकार को सत्ता गंवाने का प्रमुख कारण बना, ऐसा लोग बताते हैं। तो ये नीलू जी जो इस बार जो अपने क्या नाम प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, उनके खिलाफ भी जब प्रचार करेंगे मोदी जी, हालांकि इस बार वो बिल्कुल स्लिप हो चुके हैं, जो मर्जी आए बात कर रहे हैं, किसी बात का कोई सिर पैर नहीं है। कभी वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी लोगों की पूंजी छीनने की बात करते हैं, और आज तो उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी प्रधानमंत्री ने जब उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी आपका जो कमाया हुआ है आपकी पीढ़ी में भी नहीं जाने देगी, सारा छीन लेगी। उनका इशारा सेम्पित्रोदा की स्टेटमेंट पे था जो उन्होंने अमेरिका में दी। आप जानकर हैरान होंगी वो इशू क्या है। वो इशू केवल इतना था कि सुपर रिच जो 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ डॉलर से ऊपर के लोग हैं, जब वो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते ट्रांसफर करते हैं डेथ के बाद, तो 55% सरकार के पास जाता है वहां के रूल के हिसाब से, और 45% उनकी अगली पीढ़ी को जाता है। इंडिया में तो सुपर रिच है ही कितने, और जितने सुपर रिच है वो सारे मोदी के फाइनेंसर है। तो प्राइम मिनिस्टर तो सुपर रिच को प्रोटेक्ट करते हैं, और वो डरा किसको रहे हैं, उस आम आदमी को जिसका 82 करोड़ जो 5 किलो अनाज पर है। तो कहां सुपर रिच, और डराया जा रहा है 5 किलो वाले अनाज के लोगों को। तो प्रधानमंत्री जी का जो ये नैरेटिव है, ये बौद्धिक दिवालियेपन का कहीं ना कहीं, जिस तरीके से वो घिरे, आपने देखा होगा जो मंगलसूत्र वाली बात थी उसमें बहुत बुरे तरीके से घिरे हैं। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कहां लिखा हुआ है मंगलसूत्र छीन लेंगे। कांग्रेस पार्टी के उसमें घोषणा पत्र में आपने कहा मुस्लिम लीग, देखा मुस्लिम शब्द ही नहीं है पूरे घोषणा पत्र में 48 पेजेस, और प्रधानमंत्री उसको लगातार वो करते जा रहे हैं। तो वो अपनी फेवरेट पिच पे लेके जा रहे हैं। लेकिन रायबरेली में इस बार खास तौर पर उन जो प्रियंका के खिलाफ चुनाव में प्रचार भी करेंगे, परिवारवाद का जिक्र किया तो वो परिवारवाद पे भी निबक्षने वाली, उनको भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो वापस मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड पे। आप देख रहे हैं उन्होंने आज केरला में भी क्या कहा, आज केरला में उन्होंने बहुत जबरदस्त हमला किया है प्राइम मिनिस्टर पे इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले मसले पे। तो वो मोदी को बहुत ही सटीक शब्दों में और उन शब्दों में घेर रही हैं जिनका मोदी के पास कोई जवाब नहीं है, और वो उन सवालों पे ला रही हैं उनको, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे महंगाई है, चाहे अग्निवीर योजना है, जिसके बारे में भाजपा जिक्र करना भी नहीं चाहती, चाहे वो चाइना का मसला है। तो वो सारी जो फेवरेट पिच है वो लोगों से कनेक्ट कर रही है और बीजेपी उससे भाग रही है। तो प्रियंका को हैंड्स ऑन लेना बीजेपी को रायबरेली में,
मुझे लगता है बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होने जा रहा है चुनाव के पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे। लेकिन अगर प्रियंका और राहुल में अगर एक कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिव बीजेपी के लिए राहुल को हैंडल करना ज्यादा आसान है या प्रियंका को? जाहिर सी बात है कि प्रियंका एक बड़ी चुनौती, एक महिला होने के नाते और अपने मुखरता की वजह से एक बड़ी चुनौती खड़ी करती है, लेकिन राहुल गांधी के का जो अमेठी से अगर लड़ने की ये खबर कंफर्म्ड है जो आप बता रहे, तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगा इस बार स्मृति ईरानी को, क्योंकि जो ग्राउंड से खबरें आ रही हैं कि स्मृति ईरानी के खिलाफ एक सेंटिमेंट है वहां पर अमेठी में। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, उसका कारण समझिए। जितने बड़े जैसे मोदी जी 2014 में अच्छे दिन की बात करके आए थे, तो वो तो महान दिनों की बात करके आई थी, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या सब्जबाग दिखाए थे, और उनमें से किसी एक योजना पे काम पूरा किया। कमाल तो ये है ना कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में 443 कैंडिडेट है नीलू जी, कोई भी जो पार्टी का कैंडिडेट है वो अपने काम पे और अपने नाम पे तो वोट ही नहीं मांग रहा, ये पहली बार देश में देख रहे होंगे आप। सारे के सारे मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मोदी के नाम ठीक है, तुम्हारा काम क्या था, तुम्हारी अचीवमेंट क्या थी, आम आदमी को काम आपसे पढ़ना है, मोदी से नहीं पढ़ना है। तो जनता उस बात को समझ रही है इस बार, और यही बीजेपी का, अगर आपने पिछले फर्स्ट फेज में चुनाव में देखा हो 4.5% पोलिंग जो गिरी है उसका सबसे बड़ा अगर सिंगल लार्जेस्ट कारण है तो वो यही कारण है कि मोदी के नाम का हम क्या करेंगे, हमें तो काम आपसे लेना है। और जो प्रचार सामग्री से लेकर के जो पोस्टर बैनर जो भी कुछ आप देखते हैं, साइन बोर्ड्स और सब, उसमें मोदी के अलावा लोकल कैंडिडेट का फोटो भी नहीं होता है। और यूपी में तो ये भी हुआ कि कई जगह योगी का भी फोटो नहीं है, केवल प्राइम मिनिस्टर का फोटो है। लोकल क्षेत्रों को आपने पहले निपटा दिया, चाहे वो शिवराज चौहान है, चाहे वसुंधरा है, चाहे रमन सिंह है, चाहे कर्नाटक के अंदर येदुरप्पा थे, सबको निपटा करके अकेले मोदी की चल रहा है सारा कुछ। तो वैसे में बहुत सारी दिक्कतें जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं सरफेस पे, वो अंडरकरंट के तौर पे बीजेपी के सामने चुनौती है, और पूरा भाजपा का जो पूरा नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं अंदर से हिला हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जो इश्यूज है चुनाव के उनको छोड़ करके बाकी सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो मंगलसूत्र हो, चाहे वो ये टैक्स वाली बात हो, चाहे संपत्ति छीनने वाली बात हो। आप मुझे बताइए इस देश में कोई संपत्ति किसी की छीन सकता है क्या संविधान के तौर पर? कांग्रेस ने तो 55 साल राज किया है, लैंड रिफॉर्म्स वो लेकर के आए, बैंकों का नेशनलाइजेशन उन्होंने किया, और आप कह रहे हो कि वो आपकी संपत्ति छीन लेंगे। छीनी तो संपत्ति आपने है मोदी जी, जहां पर इस देश के अंदर आम आदमी को, इनकम टैक्स पेई को, मेरे आप जैसे को एक नए पैसे की राहत नहीं मिली पिछले 10 साल में। कॉर्पोरेट टैक्स तो आपने 1/3 घटा दिया, और देश के इतिहास में यह भी पहली बार है नीलू जी कि जो इंडिविजुअल टैक्स है मेरा और आपका, वो कॉर्पोरेट टैक्स से इस बार ज्यादा बढ़ा है। जो वॉल्यूम देखेंगे आप, कॉर्पोरेट टैक्स कम है और इंडिविजुअल टैक्स पेई जो मेरे आप जैसे हैं उनका टैक्स पहली बार ज्यादा है। ये मोदी जी का गवर्नेंस मॉडल है। तो वो खेलते तो फाइनेंसर तो उनके वो है जो सुपर रिच, और वो डराते हैं मेरे राव जैसे गरीबों को। तो वो सारी स्थिति जो है ना, वो देश देख रहा है कि मोदी किसकी तरफ है और बात किसकी करते हैं, वो सारे के सारे नैरेटिव के अंदर सामने खुल के आ रहा है सामने। लेकिन हेमंत जी, इस बार प्रियंका और राहुल दोनों के जीतने की कितनी संभावना है? अगर मान लीजिए बहुत बड़ा कोई स्टार कैंपेनर या स्टार कोई कैंडिडेट आ भी जाए अगर प्रियंका के सामने, तो प्रियंका उस पर कितनी भारी पड़ सकती हैं, और एक साथ इस बार दोनों भाई बहन कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे संसद के अंदर भी अगर जीतने के बाद अगर ये माना जाए? नहीं देखिए नीलू जी, हम कोई ज्योतिषी तो नहीं है मैं और आप, वहां पे चुनाव का परिणाम क्या होगा, लेकिन कुल मिलाकर के देखिए स्मृति ईरानी की मुट्ठी खुल चुकी है जहां तक अमेठी की बात है। उनका कोई बहुत ज्यादा चांस उस रूप में नहीं जितने बड़े बड़े बड़बोले वायदे वो करके आई थी, वैसा ग्रास रूट पे कुछ हुआ नहीं नेट अगर डिलीवरी की बात करें तो आप। और रायबरेली में बीजेपी पहले से वीक है, 5 बार की लगातार सोनिया जी वहां रही हैं, कंफर्टेबली जीती आई हैं, और प्रियंका का जो एक करिश्मा भी है, एक इंस्टेंट कनेक्ट भी है, और चूंकि चुनाव 5वें फेज में है, देखिए राहुल को तो लगातार दूसरी स्टेट्स में जाना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं, वो और खड़गे जी ही दो बचते हैं जो पैन इंडिया कैंपेनिंग करते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी को भी अगर आप देखेंगे, वो 2004 से चुनाव बेशक पहली बार अब लड़ रही है, वो 2004 से अपनी माँ और भाई के लिए लगातार कैंपेनिंग करती आई है, तो उनको जो पल्स है दोनों कंस्टिट्यूएंसीज की, उनका पल्स पे हाथ है। और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने कोई ऐसे ही फैसला नहीं कर लिया, कोई जो प्रियंका की तो फर्स्ट ही लॉन्चिंग है, और राहुल गांधी इज कमिंग बैक टू प्रूव ए पॉइंट। वहां स्मृति ईरानी चुनाव नहीं लड़ रही, मान के चलिए कि वहां पे इनडायरेक्टली मोदी बनाम पीएम है सीधे सीधे, स्मृति ईरानी तो एक नाम है। इसी तरीके से रायबरेली में भी जो कैंडिडेट होगा वो सीधा सीधा मोदी का एम्बेसडर होगा, इसलिए इन दोनों ही सीटों का जो चुनाव है वो जितना कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकली और पॉलिटिकली, उतना ही इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए भी है।
अगर बीजेपी ये दोनों सीटें हारने की दिशा में चलती है तो उसके मायने कुछ और हैं, उनको जीतने की दिशा में चलती है तो उसके मायने कुछ और हैं। निश्चित तौर पे रोचक चुनाव होगा। मुझे लगता है अमेठी में शायद उतना मार्जिन ना रहे, 50-40 हज़ार में सिमटेगी जो है, लेकिन रायबरेली में मुझे लगता है मार्जिन भी ठीक ठाक रहेगा, बीजेपी चाहे किसी को भी कैंडिडेट लेके आ जाए। ठीक है, अब बस चलते चलते एक बार फिर से एक रिकैप कर रही हूँ कि आपने एक सर्वे का जिक्र किया जो कि पार्टी ने कराया था, सुनील कानुगोलू जो कि पार्टी के कैंपेन स्ट्रेटजिस्ट है उन्होंने एक सर्वे किया है और उस सर्वे के मुताबिक ये खबरें सकारात्मक रूप से निकल कर आ रही हैं कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी और अमेठी से लड़ेंगे राहुल गांधी और पार्टी इसकी आधिकारिक घोषणा या तो 26 को और या तो 27 को करेगी। मैं एक बार बस आपसे चलते चलते चाहूंगी कि इस खबर को आप थोड़ा रिपीट कर दें, अपने सोर्सेस से आप क्या सुन रहे हैं, फिर मैं प्रोग्राम को खत्म करूंगी सर। नहीं देखिए, इसमें रेणु जी, जैसे जिस दिन इंदिरा सोनिया जी ने राज्यसभा में जाने की बात की थी, अगर आपको याद हो, उस दिन शाम को ही हमने ये शो किया था और तब ये कहा था कि एक स्ट्रेटजी के हिसाब से रायबरेली से प्रियंका लड़ेगी, आपको याद होगा, 1-1.5 महीने पुरानी बात है। तो उस दौरान में अब 1 मार्च से लेकर के और 15 अप्रैल के बीच में, यानी कि आज से 7 दिन पहले तक, लगातार ग्रास रूट पे ये सर्वे हुआ है पार्टी लीडरशिप के द्वारा, प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा भी, अपने वॉलंटियर्स के द्वारा भी, अपने लीडर्स के द्वारा भी, और उस कंक्रीट फीडबैक के आधार पर सोनिया गांधी ने ये डिसाइड किया है। और उसके बेसिस पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें तो पिछले 3-4 दिन से अमेठी में जो पार्टी ऑफिस है उसको रेनोवेशन का काम शुरू हो गया है, और पूरे रायबरेली के अंदर भी प्रियंका गांधी के सब जगह फोटो पोस्टर और जो भी जो जो चीज लगती है उनका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो इट इज क्लियर नाउ दैट बोथ द ब्रदर एंड सिस्टर दे आर गोइंग टू कंटेस्ट देयर और कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू टेक देम हेड ऑन एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न्ड। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।